नगर निगम उपसभापति का चुनाव महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम के सदन हॉल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा के प्रत्याशी ऋषि मोहन वर्मा ने समाजवादी पार्टी की शकुन मिश्रा को 4 वोटों से मात देते हुए जीत हासिल की। आपको बता दें कि ऋषि मोहन वर्मा को नगर निगम कार्यकारिणी के 12 सदस्यों में से 8 वोट मिले तथा 4 वोट शकुन मिश्रा के पक्ष में पड़ा। उपसभापति बनने पर ऋषि मोहन वर्मा ने कहा, जनता को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का निस्तारण करना ही उनका पहला कर्तव्य होगा तथा नगर निगम के अंतर्गत विकास कार्यों को सभी सदस्यों के सहयोग से व प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, कार्यकारिणी सदस्य चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ गोली सिंह, जियाउल इस्लाम, आलोक सिंह, मनोज जायसवाल, राजेंद्र तिवारी, अभिषेक निषाद सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल तथा नगर निगम कार्यकारिणी के नव निर्वाचित उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा ने कहा, और इस तरह की बैठक के कारण आरंभ करने के लिए माननीय महापौर जी को अनुमति करता हूँ। माननीय महापौर जी की तरफ से कार्यकारी समिति द्वारा की बैठक आरंभ की जा रही है। इस बैठक का प्रथम एजेंडा माननीय कार्यकारी समिति के सभापति का चुनाव है। तो प्रथम एजेंडा पर मैं माननीय कार्यकारी समिति चाहूंगा कि प्रथम एजेंडा कार्यकारी समिति सभापति के चुनाव की कार्यवाही की है। बातचीत हुए हैं पुराने माननीय महापौर जी से, यह जानना चाहता हूं कि आज जो माननीय सभापति पद के लिए हम अपने एक पद का निर्वाचन करेंगे वो नगर निगम अधिनियम के अनुसार करेंगे कि हाथ उठा करेंगे, ये माननीय महापौर जी हम लोगों का अवगत करा दें, क्योंकि धारा 52 में स्पष्ट लिखा है कि एकल संकड़ी मतदान के तहत ये चुनाव होना चाहिए। ये हमारे सामने काफ़ी किताब मौजूद है, धारा 52 में स्पष्ट लिखा है कि कार्यकारी समिति के सदस्यों तथा उसके उपसभापति का निर्वाचन अनुपात पद्धति के अनुसार एकल संक्रमित मतदान द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान के गुण शालांका द्वारा होगा। इस पद्धति से महापौर जी आप चुनाव कराएंगे कि हाथ उठा कराएंगे, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, आपको तय करना है, इसलिए आपको बता दें। पार्षदगण जो आज कार्यकारी सदस्य के रूप में हमारे बीच में बैठे हुए हैं, कुल 12 हमारे कार्यकारिणी मेंबर हैं और 100% हमारी उपस्थिति है। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए नगर आयुक्त महोदय और हमारे संजय शुक्ला जी और हमारे समस्त अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अरे जियाउल इस्लाम जी का एक निवेदन है कि महापौर निर्णय करेंगे कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। मैंने देखा है कि गोरखपुर के नगर निगम के इतिहास में जब भी कार्यकारिणी के चुनाव हुए हैं, हाथ उठा करके सदन में जिसका बहुमत हुआ है उसे चुना गया। मैं चाहूँगा कि यह सदन मैं जो पुरानी हमारी परंपरा है उसको कायम रखते हुए अपने अपने पार्षदों का नाम प्रस्तावित करेंगे, अगर जरूरत पड़े ये तो हाथ उठाकर उसका समर्थन किया। इस तरह से चुनाव की परंपरा को मैं कायम होना चाहिए। आप काफी चुनाव आप उठाकर हुआ था या
परंपरा को तोड़ना चाहते हैं, यह उचित नहीं। निगम के इतिहास में अभी तक कोई महिला पार्षद उपसभापति नहीं रही है। हमारी तरफ से महिला को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने प्रत्याशी श्रीमती शकुन मिश्रा का प्रस्ताव रखते हैं और लोगों से साथियों से निवेदन करते हैं कि नगर निगम का सुनहरा इतिहास बनाने के लिए एक महिला पार्षद को भी सम्मानित उपसभापति बनाया जाए। स्थापन किया है इसलिए ये उपसभापति घोषित किए जाते हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। सब आप सब लोग का स्नेह प्रेम है। अपने कारखाने के लोग आ गए अरे इसको ऐसा इसको हटवा दीजिएगा। देखिए नगर निगम की परंपरा के अनुसार हमारे उपसभापति का चुनाव हुआ है जिसमें 12 सदस्य थे कार्यकारिणी के जिन्हें उपसभापति का चुनाव करना था। इसमें हमारे नगर आयुक्त साहब और हमारे सभी अधिकारियों का इसमें बहुत ही सहयोग रहा और कुछ ही समय के अंदर नियमतः उपसभापति का चुनाव करा लिया गया। 12 में से 8 मत भारतीय जनता पार्टी के उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा जी को मिला है और उस 8 मतों से विजयी होकर उपसभापति नगर निगम चुने गए। मैंने अपने सभी सम्मानित पार्षदों, नगर निगम के सभी अधिकारियों, नगर आयुक्त सहित सभी अधिकारियों को सहजता से, सुगमता से चुनाव कराने के लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। विशेषकर उपसभापति महोदय को बधाई देता हूँ, वे सरल हृदय के हैं और नगर निगम में अधिकारियों के साथ तालमेल करके नगर के विकास में पूरा पूरा सहयोग दें। इसी आशा के साथ ऋषि मोहन वर्मा जी को उपसभापति चुना गया। हम लोग की प्राथमिकता उपसभापति होने के बाद से जनता, कार्यकर्ता, नगर निगम परिवार, ये तीनों मिल करके माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के उद्देश्यों को जनता के बीच में पहुंचाना, जन समस्याओं का समाधान करना और साथ ही जनता के मूलभूत सुविधाओं को उन तक पहुंचाना, ये नगर निगम का प्राथमिक उद्देश्य रहेगा। आपके द्वारा क्या मांग है? हम लोग सभी का समावेश करके विकास को गति देने का प्रयास करेंगे।